हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर अलेवन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम प्रीवियसली आसकर एम करेंगे ऑन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट सेकेंड रहेगा अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो और वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में हमसे पूछा गया है वट इज द यूज ऑफ आ जॉयस्टिक आपको बताना है कि जॉयस्टिक का हम इस्तेमाल किस परपज के लिए करते हैं सबसे पहले आपको याद रखना होगा जो जॉइस्टिक है यह क्या है ये एक इनपुट डिवाइस है और ये हम किस के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर वन विल बी ऑप्शन सी दैट इज जॉयस्टिक्स आर यूज फॉर कंप्यूटर गेम्स ये वाला क्वेश्चन जूनियर सुपरवाइजर के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में क्वेश्चन नंबर में हमसे पूछा गया है वेन एन इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड सेंट टू डेस्टिनेशन डिवाइस सच एज मॉनिटर और प्रिंटर इज कॉल्ड आपको बताना है जब हमारा सीपीयू किसी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को खत्म करता है तब वो उस प्रोसेसर डेटा को एक डेस्टिनेशन डिवाइस पे भेज देता है चाहे मॉनिटर हो या प्रिंटर हो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर टू विल बी ऑप्शन डी दैट इज आउटपुट ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर सुपरवाइजर के एक पेपर में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे पूछा गया है हाउ मनी कलर डॉट्स मेकअप वन कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन आपको बताना है कि एक कलर uh, पिग्जल बनाने के लिए हम कितने कलर डॉट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर थ्री विल बी ऑप्शन ए दैट इज़ थ्री अगर हम एक कलर पिग्जल की बात करेंगे इसमें हम तीन कलर डॉट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो कौन से तीन कलर डॉट्स होते हैं आर जी एंड बी रेड ग्रीन एंड ब्लू और मैंने आपको कल भी बताया था जो हमारे पास आर जी बी सिस्टम्स होते हैं इनकी जो कलर डेप्थ होती है वो ट्वेंटी फोर बिट्स की होती है जिन 24 बिट्स में 8 बिट्स हमने रखी हुई होती है आर कंपोनेंट के लिए 8 बिट्स हम यूज करते हैं ग्रीन कंपोनेंट के लिए और 8 बिट्स हम इस्तेमाल करते हैं ब्लू कंपोनेंट के लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर पेरीफेरल्स इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइस आपको बताना है गिवन और द फोर ऑप्शन इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आता है माउस आपको ऑलरेडी पता है इनपुट डिवाइस है स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है लेकिन जो प्रिंटर है ये क्या है ये एक आउटपुट डिवाइस है सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर सुपरवाइजर के एक पेपर में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे पूछा गया है पंच कार्ड्स वेयर यूज एज आपको बताना है कि हम पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किस परपज के लिए करते थे कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइस ए एल यू और आउटपुट डिवाइस सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर फाइव विल बी ऑप्शन बी दैट इज इनपुट डिवाइस हम पंच कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे एज इनपुट डिवाइस ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर सुपरवाइजर के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है A डैश डैश is a non-impact printer which uses laser beam to produce an image on a negatively charged cylindrical drum. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि लेज़र बीम का इस्तेमाल करके इमेज़ को जनरेट करता है या प्रोड्यूस कर लेता है अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ड्रम प्रिंटर है ये किस कैटेगरी का प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर वैसे ही अगर आप देखोगे चेन प्रिंटर्स ये दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता ठीक है अब हमें बी एंड सी में से आंसर ढूंढना है तो आप गेस भी यहां पे कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन नंबर सिक्स में वहां से ही हमें एक हिंट दी जा रही है कि यह क्या यूज कर रहा है लेजर बीम यूज कर रहा है सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर विल बी ऑप्शन सी दैट इज लेजर प्रिंटर सो लेजर प्रिंटर एक ऐसा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि लेजर बीम का इस्तेमाल करके इमेज को प्रोड्यूस कर लेता है यह वाला क्वेश्चन जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में क्वेश्चन नंबर सेवन में हमसे पूछा गया है डाइजैश कंटेन्स अ फोटो सेल इन अ स्मॉल ट्यूब एंड इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से किसके अंदर फोटो सेल होता है और जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली सेलेक्ट करने के लिए सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर सेवन विल बी ऑप्शन डी दैट इज़ लाइट पेन लाइट पेन के अंदर क्या होता है कंटेन कर रहा होता है फोटो सेल और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली सेलेक्ट करने के लिए ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में इफ अ लेटर इज टू बी टाइपड इन कैपिटल देन विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज विद लेटर अगर आपको कोई भी लेटर कैपिटल में टाइप करना है तो उस लेटर के साथ आप किस की का इस्तेमाल कर सकते हो कैपिटल में वो लेटर लिखने के लिए सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर विल बी ऑप्शन डी दैट इज शिफ्ट की प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको ऐसी ही एग्जाम्पल एक करवाई थी ओके okay? ये वाला क्वेश्चन भी जे एस ए के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर नाइन से अ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बताना है गिवन आर द फोर ऑप्शन इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल है आप देखोगे लाइन प्रिंटर ये क्या है ये एक प्रिंटर प्रिंटर है की है की वैसे अगर आप देखोगे डेजी व्हील ये भी क्या है ये भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है और अगर आप डॉट मैट्रिक्स देखोगे अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर ओके सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर नाइन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंकजेट इंगजेट क्या है ये एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है ठीक है ये वाला क्वेश्चन जो है अगेन दिस वॉज ऑस्कड इन जे एस ए पेपर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन सेज इज दैट द डैश डैश इज अ बोर्ड दैट प्लग्स इन टू द मदर बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर एंड जनरेट्स इमेज फॉर डिस्प्ले आपको बताना है कि इनमें से हम किस कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं मदर uh, बोर्ड के साथ प्लग इन करने के लिए और जिसकी मदद से हम जनरेट कर पाते हैं इमेज ओके सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर टेन विल बी ऑप्शन डी दैट इज वीडियो कार्ड आपको पता है आ, फैन क्या है फैन आ, एक कूलिंग सिस्टम है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर नेटवर्क कार्ड क्या होता है ये हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए और साउंड कार्ड भी इसका आंसर नहीं रहेगा सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर टेन और ये वाला क्वेश्चन भी जे के एक शिफ्ट में पूछा गया था होपफुली आज के सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक आपको समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जनरली इस टॉपिक में से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन के बारे में क्वेश्चन नंबर इलेवन से अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर थ्रू अ वीडियो कार्ड आपको बताना है कि इनमें से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा है सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर इलेवन विल बी ऑप्शन बी दैट इज मॉनिटर ओके ये वाला क्वेश्चन भी जे के एक शिफ्ट में पूछा गया था नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व 12 सीज आज दैट माउस ट्रैक बॉल इलेक्ट्रॉनिक पेन एट्सीट्रा और विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस आपको बताना है माउस ट्रैक बॉल इलेक्ट्रॉनिक पेन ये किस कैटेगरीज के इनपुट डिवाइसेस हैं ओके पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस क्या ये की बोर्ड डिवाइस हैं नो विजन बेस्ड डिवाइसेज भी नहीं है एंड स्पीच रिकॉग्नेशन डिवाइस भी नहीं है सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विल बी ऑप्शन ए दैट इज पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसिस ये वाला क्वेश्चन बी जे एस ए के एक में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन के बारे में क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेबोर्ड डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस एटसेट्रा और क्लासिफिकेशन ऑफ इज टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आपको बताना है कीबोर्ड डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस या डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस ये किस किस्म के डिवाइसेस हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर थर्टीन विल बी ऑप्शन डी दैट इज इनपुट डिवाइसेस ये वाला क्वेश्चन भी जे के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के बारे में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में हमसे पूछा गया है ओ सी आर ए इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉन्ट ऑफ ओ सी आर वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए आपको बताना है आपको सबसे पहले ओ सी आर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ सी आर दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओके okay. अब अगर मैं आपको बताऊंगा ओ सी आर ए की फुल फॉर्म क्या है दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नेशन और ए यहां पे स्टैंड करता है अमेरिकन अमेरिकन सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन सी दैट इज अमेरिकन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन से इज दैट Dash represents alphanumeric data by a combination of adjacent vertical lines by varying their width and the spacing between them. आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इनपुट होता है जिसमें जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जिनमें हमने जिसमें हमने वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल किया हुआ होता है मैंने आपको कल भी बताया था जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हो मार्केट से उसमें एक बॉक्स टाइप आपको देखने को मिल जाता है उसमें आपको बहुत सारी वर्टिकल लाइन्स भी देखने को मिल जाती है ठीक है आप इन वर्टिकल लाइन्स की जो लेंथ है वो भी वेरी कर रही होती है इनके बीच में जो स्पेस होती है डिस्टेंस होती है वो भी वेरी कर रही होती है आपको बताना है यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा यह अल्फा न्यूमेरिक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपको बताना है इसका नाम सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विल बी ऑप्शन सी दैट इज बार कोड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के बारे में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सेज दैट वट इज़ अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज़ अ फ्लैट सरफेस एंड यूजली कम्स विद अ स्टाइल्स आपको बताना है इन चार में से कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें फ़्लैट सरफेस होती है और जिसमें हम स्टाइलस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कल के क्लास में भी मैंने आपको बताया था द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विल बी ऑप्शन बी दैट इज डिजिटाइज़र डिजिटाइज़र एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें फ्लैट सरफेस होती है

टच नहीं कर रहा होगा टच नहीं कर रहा होगा किसके साथ पेपर के साथ उस चीज को हम क्या बोलते हैं उन प्रिंटर्स को हम क्या बोलते हैं दैट इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ये वाला क्वेश्चन भी एफ ए के पेपर में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन के बारे में क्वेश्चन नंबर एटीन सेज दैट प्रीत वांट्स टू कन्वर्ट द स्कनड इमेज ऑफ हैंड हेंड रिटन टेक्स इन डिजिटल टेक्स्ट, विच इनपुट डिवाइस शुड शु शी यूज प्रीत अपने स्कैनड इमेज को हैंड रिटन टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहती है तो उस परपज़ज़ के लिए वो किस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकती है सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर एटीन विल बी ऑप्शन ए दैट इज़ ऑप्टिकल कार्ड कैरेक्टर रीडर ठीक है ना ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर एटीन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं चलो मैं यहीं पे बता देता हूं जो हमारा एम आई सी आर होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रीडर होता है इट इज यूज टू वेरीफाई ऑरिजिनेलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओके okay. वाला क्वेश्चन भी एफ डबल ए के पेपर में पूछा गया था ठीक है अगर आपको हैंड रिटन टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हम किस स्कैनर्ड uh, डिवाइस uh, का इस्तेमाल कर सकते हैं या किस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर एटीन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के बारे में बेसिक सा क्वेश्चन है डायजेस्ट इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन टू कंप्यूटर सिस्टम आपको बताना है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें हम डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को एज इनपुट दे रहे होते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विल बी ऑप्शन सी दैट इज इनपुटिंग बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में हमसे पूछा गया है डैश डैश इज़ यूज टू कनेक्ट न्यू पेरिफेरल डिवाइसेज़ सच एज स्पीकर्स, मेमोरी डिवाइसेस स्कैनर्स अगर आपको अपने कंप्यूटर के साथ कुछ और पेरिफेरल डिवाइसेस को ऐड करना है कनेक्ट कर लेना है तो उस परपज़ज़ के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे क्या आप डी ड्राइव का इस्तेमाल करोगे नो no. क्या आप पावर सोर्स का इस्तेमाल करोगे नो no. क्या प्रिंटर का इस्तेमाल करोगे नो सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विल बी ऑप्शन सी दैट इज यू एस बी यूएस बी की फुल फॉर्म क्या है यूनिवर्सल सीरियल बस और ये एक पोर्ट होता है कंप्यूटर में जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में हमसे पूछा गया है एनी इन्फॉर्मेशन और डेटा सेंट टू अ कंप्यूटर यूजिंग माउस और की बोर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इज कंसिडर्ड एज आपको बताना है अगर हम इंफॉर्मेशन या डेटा सेंड करते हैं अपने कंप्यूटर को थ्रू माउस और की बोर्ड उसको हम क्या बोलते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ ओर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विल बी ऑप्शन ए दैट इज इनपुट ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर के एक शिफ्ट में पूछा गया था बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है इससे इजी लेवल्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एग्जाम में अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक चीज बताइए वट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करके बताइए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू से बिटवीन रिसीविंग इनपुट एंड प्रोवाइडिंग आउटपुट यूअर कंप्यूटर विल परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन कॉल्ड आपको बताना है अगर ये हमारा कंप्यूटर डिवाइस है हम क्या करते हैं इसमें कुछ इनपुट लेते हैं और बाद में कुछ ये आउटपुट भी जनरेट कर लेता है बीच में इसमें क्या होंगे कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर लेता है इस इनपुट पे। उसको हम क्या बोलते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ ऑर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विल बी ऑप्शन सी दैट इज प्रोसेसिंग ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर सुपरवाइजर सबॉर्डिटर के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री दैट डिवाइस सच एज ट्रैक बॉल एंड टच पेड्स आर कैटेगराइज एज आपको बताना है ट्रैक बॉल एंड टच पैड्स ये किस कैटेगरीज के डिवाइसेस हैं क्या ये स्टोरेज डिवाइसेस है नहीं क्या ये डिस्प्ले डिवाइसेस है नो no. क्या ये प्रिंटिंग डिवाइसेस है नो सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विल बी ऑप्शन ए दैट इज पॉइंटिंग डिवाइसेस ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर सुपरवाइजर सबॉर्डिटर के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में हमसे पूछा गया है द मोस्ट पॉपुलर की बोर्ड यूज टूडे इज आपको बताना है जो हम की बोर्ड से इस्तेमाल करते हैं उसमें हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं क्या वो क्विक होते हैं क्यू डब्ल्यू आर टी बेस्ड होते हैं यूजअल होते हैं कि ए जड ई आर टी वाई के बेस बेसिस पे होते हैं सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विल बी ऑप्शन बी दैट इज क्यू डब्ल्यू ई आर टी ये वाला क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के एक पेपर में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर आप देख सकते हो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है क्या प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस है नो no. प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है एंड प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है सो इनपुट डिवाइस में से क्या आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज बार कोड ये वाला क्वेश्चन भी किस में आया था पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था होपफुली आज के सारे के सारे क्वेश्चन आपको अभी तक समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हैं बिकॉज आपको पता है इनपुट और आउटपुट के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सबसे बेसिक लेवल के ही माने जाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स दैट द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि एक्ट करता है एज बोथ इनपुट भी एंड आउटपुट भी आपको इतना पता है कीबोर्ड स्पेसिफिकली क्या है एक इनपुट डिवाइस है आप देख सकते हो प्रिंटर स्पेसिफिकली क्या है एक आउटपुट डिवाइस है और माउस स्पेसिफिकली क्या है एक इनपुट डिवाइस है

आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज होता है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो कि आइडेंटिफाई करके देते हैं हमें द ऑकरेंस एंड पोजिशन कि हमने कहाँ पे टच किया ठीक है ना ऑन द डिस्प्ले रीजन सो द करेक्ट आंसर ऑफ ऑर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विल बी ऑप्शन डी दैट इज टच स्क्रीन ठीक है ना टच स्क्रीन क्या है टच स्क्रीन ही एक डिस्प्ले स्क्रीन है ओके ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट दैट द इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स द इमेज एंड वीडियो इन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आपको बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस ऐसा है जिससे हम कैप्चर कर पाते हैं इमेज को और वीडियो को इन टू द कंप्यूटर आप देख सकते हो स्कैनर तो नहीं हो सकता वेब पेज भी नहीं हो सकता प्रिंटर भी नहीं हो सकता सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विल बी ऑप्शन ए दैट इज़ वेब कैम ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट के एक शिफ्ट में पूछा गया था बात करते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन से इज दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बताना है कि इनमें से हम किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं आंसर शीट्स को चेक करने के लिए पर्टिकुलरली कौन से आंसर शीट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले आंसर शीट्स को चेक करने के लिए क्या बार कोड रीडर हम इस्तेमाल करते हैं नो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी नहीं है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर भी नहीं है सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विल बी ऑप्शन डी दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर दैट इज ओ एम आर ये वाला क्वेश्चन भी एफ पी ए के एग्जाम में आया था पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में आया था बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी के बारे में ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा लेजर प्रिंटिंग इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस व्हाट इज़ द यूज यूनिट ऑफ प्रिंटिंग स्पीड इन लेज़र प्रिंटर आपको बताना है सिंपली लेज़र प्रिंटर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रिंटिंग स्पीड हम किस में मेजर करते हैं सबसे एक पॉइंट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है लेज़र प्रिंटर क्या है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट सॉरी ये एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है और इसकी स्पीड हम किस में मेजर करते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर डी पेज पर मिनट पीपीएम में हम इसको क्या करते हैं मेजर करते हैं इसकी स्पीड को ये वाला क्वेश्चन भी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था तो होपफुली आज के सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे क्योंकि हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस वाला टॉपिक ही बेसिक टॉपिक है इसमें ज़्यादा कुछ टफ़ क्वेश्चन आपको आ नहीं सकते अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि नेक्स्ट लेक्चर मैं किस पे लाऊं टॉपिक आप मेंशन करके बताइए उस पर हम बाद में एमसीक्यूज लाने की मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रेन टेक आ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर गुड बाय